हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस चैनल पर। फिर से आज हम इस चैनल पर ना बहुत ही एक खास और फेमस प्रोडक्ट अनबॉक्स करेंगे। आप सबको पता ही होगा थंबनेल से और इस वीडियो के टाइटल से। तो आज हम इस वीडियो में ना गैलेक्सी सैमसंग की तरफ से आने वाला गैलेक्सी S20 FE 5G एडिशन वाला फ़ोन अनबॉक्स करेंगे और उसका रिव्यू और उसका परफॉर्मेंस देखेंगे। तो ये फ़ोन जो है ना एक्चुअल में S20 जो है 2020 में रिलीज़ हुआ था और S20 FE जो है उसके बाद रिलीज़ हुआ था 2021 में, और उसी का ये 5G वर्जन है। तो एक्चुअली हुआ ये था कि S20 FE जो इंडिया में लॉन्च हुआ था ना, तो उसमें एग्जाइनस जो सैमसंग का खुद का प्रोसेसर है वो प्रोसेसर के साथ रिलीज़ हुआ था। तो वो इंडिया में बहुत ही उसको ना बैक ऑफ करना पड़ा क्योंकि वो उसका परफॉर्मेंस उतना टॉप नॉच नहीं था। तो सैमसंग उसी गलती को सुधारने के लिए वापस से इंडिया में स्नैपड्रैगन यूज़ किया उसी सेम प्रोडक्ट में, और स्नैपड्रैगन में भी 5G चिपसेट लगाया। 865 5G चिपसेट है ये। तो ये बॉक्स में जो है ना साइड में कुछ गंक लगा हुआ है, मतलब पता नहीं सैमसंग की तरफ से ऐसा ही आया होगा वो। तो मैंने देखा तो कुछ मैक्सिमम डैमेज तो नहीं है, तो इसलिए कंटिन्यू किया मैं अनबॉक्सिंग। तो ये इसका प्रोडक्ट जो है ना, जैसे सैमसंग के बाकी जो फ्लैगशिप फ़ोन आते हैं जैसे ये सीरीज़ हो गया, नोट सीरीज़ हो गया, वैसे तो है नहीं, लेकिन आप मान सकते हो जो ये सीरीज़ और उसके नीचे वाला सीरीज़ जो आता है, एक ये भी एक प्रीमियम मिड सेगमेंट फ्लैगशिप कह सकते हैं सैमसंग का। क्योंकि जैसे ही वो FE जो फैन एडिशन का टैग लग गया ना, तो समझो वो फ्लैगशिप से उतर गया और उसके नेक्स्ट लेवल फ्लैगशिप हो गया वो। तो वो फ्लैगशिप तो ऐसे बोलने के लिए है बस। तो जैसे निकालते हैं डायरेक्टली अपने को फ़ोन निकलता है, ये फ़ोन फर्स्ट हैंड फील जो है ना बहुत ही अमेजिंग लगा मेरे को। इसका बॉडी वेट बैलेंस और इसका सब फॉर्म फैक्टर भी बहुत अच्छा लगा। हालांकि ये फ़ोन जो है ना 2 साल 1 साल पुराना है, फिर भी ये आज के ज़माने में, मतलब जब ये वीडियो रिलीज हुआ था उस टाइम पे 2022 है, तो इस टाइम पे भी ये फ़ोन लेना वर्थिट है। और ये फ़ोन और कितने साल तक टक्कर देगा मार्केट को, मतलब कब तक सही से चल पाएगा, तो इस सारे चीज़ का हम लोग एग्जामिन करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहना लास्ट तक। और जैसे कि आप देख रहे थे, तो इसके साथ एक अडाप्टर निकला था और एक USB टाइप ए टू टाइप सी का एक केबल था। और ये जो है ना फ़ोन का बैक है, इस फ़ोन में बस 3 कैमरा सेटअप है। फ्रंट में एक पंच होल वाला डिज़ाइन है, सेंटर पंच होल वाला। तो ठीक है, अभी क्या कह सकते हैं। और इसमें एक एक बात ये है, मैं नोट किया कि इसमें सिर्फ 15 वाट का पावर अडाप्टर मिलता है सैमसंग की तरफ से, लेकिन ये फ़ोन जो है ना 25 वाट तक का पावर चार्ज हो सकता है। हालांकि रियलमी, ओप्पो, वीवो, शाओमी ये लोग तो 120 वाट, 65 वाट, 70 वाट, वन प्लस ये लोग 65 वाट यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन सैमसंग आज भी 25, 30, 35 में ही अटका हुआ है। ठीक है, ये फ़ोन तो 25 वाट सपोर्ट करता है, लेकिन इसके साथ सैमसंग को 25 वाट का पावर अडाप्टर देना चाहिए ना, लेकिन नहीं, सैमसंग ने सिर्फ 15 वाट का पावर अडाप्टर दिया। ये सेम 15 वाट का पावर अडाप्टर मैंने S3 में भी अनबॉक्स करते हुए ये सेम पावर अडाप्टर पाया था, जो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। ये वो जो है 3 साल या 4 साल पुराना वीडियो होगा। चलो अब पहली बार बूट करते हैं, ये फर्स्ट बूट है। तो फर्स्ट बूट होने में हमेशा एक 10 से 15 मिनट लगता है, तो चलो उसका सारा प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं। तो वेलकम स्क्रीन आ गया। वेलकम स्क्रीन में अपने को कंट्री या रीजन सेलेक्ट करना पड़ता है। चलो हम सेलेक्ट करते हैं इंग्लिश इंडिया, लैंग्वेज ऑफ फ़ोन भी है। तो सिम कार्ड पूछ रहा था, मैंने सिम कार्ड को अभी के लिए स्किप कर दूंगा। हाँ, एक चीज़ मैं बताता चलूँ, जब जब भी आप कौन सा भी फ़ोन है तुम फर्स्ट टाइम बूट करते हो ना, इस सिमिलर थिंग्स गोस विथ विंडोज़ PC आल्सो। ये जो चीज़ है ना, जो भी अननेसेसरी जैसे कि सेंड डायग्नोस्टिक डेटा हो गया, प्राइवेसी को जैसे ये गूगल सर्विसेज हैं, जो अननेसेसरी है वो सारे चीज़ को ऑफ करके एक्सेप्ट करने का, क्योंकि बिना मतलब का एक्सेप्ट नहीं करो वो फ़ोन को लैग करेगा उल्टा। अगर आपने कुछ चाहिए, कोई स्पेसिफिक पर्सन है या हमारा स्पेसिफिक रीज़न है, तो हम उस समय टर्न ऑन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाद में टर्न ऑफ कर नहीं सकते, टर्न ऑन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। तो बिना मतलब कोई भी सर्विस को इनेबल मत करो, वो फ़ोन को लैग करेगा टाइम
जैसे ही टाइम बढ़ता चलेगा वो फ़ोन हैंग होता चलेगा। तो जैसे देख सकते हो फर्स्ट सेटअप कंप्लीट हो गया और बस यही इसका सिमिलर यूआई है। जैसे कि आप सबको पता है सैमसंग का वन यूआई होता है और ये जो है स्टॉक एंड्रॉइड से बहुत ही दूर है। चलो इसका एंड्रॉइड वर्जन देख लेते हैं। ये आउट ऑफ द बॉक्स अपने को 12 मिला। सैमसंग ने प्रॉमिस किया है इसको 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट। आई थिंक ये फ़ोन जब आया था उस समय शायद एंड्रॉइड 11 होता था, तो 11, 12, 13 शायद 14 तक मिलेगा, पता नहीं इस फ़ोन का कोई एग्जैक्ट पता नहीं। तो चलो फर्स्ट जो है ना एक कैमरा सैंपल लेके देखते हैं तो एक आइडिया मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स कैमरा इसका कैसा है विदाउट एनी ट्विक। मैं तुमको ऐसे ही जूम करके दिखा दूंगा, पोस्ट कुछ पोस्ट एडिट वेडिट नहीं, ऐसे ही डायरेक्ट इसका रिजल्ट दिखा दूंगा। और एक बात है, ये तो बस ऐसे ही एक सैम्पल के लिए मैं किया था ऐसे कैमरा सैम्पल, लेकिन इस पर एक स्पेसिफिक फ़ोन का मैंने कंप्लीट डिटेल्ड कैमरा वीडियो सेल्फी कैमरा सारे चीज़ का टेस्ट किया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो ना तो टॉप राइट में आई बटन आ जाएगा, तो देख लेना वहाँ से। अब एक बात बताता चलूँ, इस फ़ोन में 4K 60 का भी ऑप्शन है और स्लो मोशन भी इसका बहुत काफ़ी है, तगड़ा है। और इसका वीडियो परफॉर्मेंस या कैमरा परफॉर्मेंस, नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड सारा बहुत बिल्कुल सही है। इसका रैम भी बहुत काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, LPDDR5 रैम यूज़ किया है, वो इंडस्ट्री में वाला तो टॉप में चल रहा है अभी के लिए। तो जैसे मैं बता रहा था ना, तो यही है सारा कंप्लीट सैम्पल, वीडियो सैम्पल के लिए टॉप राइट आई बटन में क्लिक करो, आपको वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो आपको कुछ भी यूज़फुल हुआ हो या अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।